हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे वेज जिससे हम यूरिक एसिड जो लेवल बढ़ा हुआ है उसको सडन रिड्यूस कर सकें। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हमको गाउट नाम की संबंधित बीमारियां हो सकती है जिससे हम सफर कर सकते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंडीशन है। तो हमको यूरिक एसिड को हमेशा लेवल में रखना चाहिए, इवन रिड्यूस करके रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे वेज देखते हैं जिससे हम यूरिक एसिड को कंट्रोल में ले सके। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। यूरिक एसिड आपका प्यूरिन रिच डाइट खाने से ज्यादा बढ़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम प्यूरिन रिच डाइट को छोड़ना है या तो पूरी तरीके से अवॉइड करना है। प्यूरिन रिच डाइट में आता है मीट हो गया, फिश हो गया, शेलफिश हो गया, इन सब चीजों को अवॉइड करिए क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होता है जो आपके गाउट कर सकती है, यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकती है। दूसरा है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको शुगर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जैसे कि आप शुगर खा रहे हो, शुगर में जैसे कि आप बाहर से जो शुगर ले रहे हो फ्रुक्टोज के फॉर्म में, जैसे कि हनी में आपका जो शुगर होता है फ्रुक्टोज में रहता है, फ्रूट्स में रहता है वो फ्रुक्टोज के फॉर्म में शुगर रहता है, तो वही फ्रुक्टोज जब आप खाते हो तो आपका बॉडी उस फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें प्यूरिन्स में कन्वर्ट कर देता है और प्यूरिन्स अगर वो ज्यादा बढ़ने लग गया तो अल्टीमेटली आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आपको हमेशा शुगर्स को अवॉइड करना चाहिए, शुगर वाली चीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिनको यूरिक एसिड इंक्रीज हुआ है। तीसरा है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है क्योंकि आपका किडनी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। तो आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, 8-10 ग्लास ऑफ वाटर आप इंटेक करते हो तो आपका जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल है वो किडनी में वो पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएगा क्योंकि वो पानी है उस यूरिक एसिड को फ्लश कर देगा यूरिन के थ्रू। तो ज्यादा मात्रा में आप पानी पीजिए। अल्कोहल आपको नहीं लेना है, अवॉइड करिए अल्कोहल क्योंकि अल्कोहल आपको डिहाइड्रेटेड कर देता है, आपके शरीर में सूखापन लेके आ जाता है। स्पेशली बियर जैसे अल्कोहल के फॉर्म में नहीं आता है बट बियर जो लोग इंटेक करते हैं उसमें ये बताती हूँ कि बियर में सबसे ज्यादा प्यूरिन्स की मात्रा होती है जो कि आपकी यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करता है। तो आपको बियर अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है। कॉफी पीजिए, ड्रिंक कॉफी। ऐसा बोला जाता है कि जो कॉफी होते हैं उसमें आपका प्यूरिन्स के लेवल को डिक्रीज करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। आप अच्छे से कॉफी इंटेक करेंगे तो आपका प्यूरिन्स ब्रेक डाउन होगा और अल्टीमेटली आपका यूरिक एसिड लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कॉफी पी सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको अपना वेट मैनेज करना है। इवन बढ़ा हुआ जो वेट है, ओबेसिटी है, उसको आपको नॉर्मल वेट में लेके आना है क्योंकि ये बोलते हैं, ये माना जाता है कि अगर आप ओबेस हो, बहुत ज्यादा मोटे हो, बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हो तो आपका जो बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होते जाता है क्योंकि यूरिन में, किडनी में वो क्षमता नहीं रह जाती कि यूरिक एसिड को वो रिलीज कर सके ओवर वेट की होने की वजह से। तो आपको वेट भी रिड्यूस करना है, स्लिम एंड ट्रिम रहिए ताकि आपका यूरिक एसिड जो है वो डिक्रीज हो सके। नेक्स्ट है, आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है क्योंकि हाइपर यूरिसेमिया की वजह से डायबिटिक मेलिटस होने की फुल संभावना है। अगर यूरिसेमिया मतलब यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा पाई गई तो अल्टीमेटली आपका डायबिटिक मेलिटस वाली जो प्रॉब्लम्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना है और इवन आपको ब्लड शुगर भी मेंटेन करके रखना है। अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फाइबर लीजिए, एटलीस्ट आपको 27 से 34 ग्राम फाइबर डेली इंटेक करना है। ज्यादा मात्रा में फाइबर लेंगे तो वो रफेज के फॉर्म में स्टूल के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगा यूरिक एसिड, जो कि आपकी अल्टीमेटली बॉडी में जो बढ़ रहा है वो डिक्रीज फॉर्म में होगा। आप अपने डाइट में चेरीज खाइए, चेरीज की जूस पीजिए, चेरीज में एंटीऑक्सीडेंट और वो कैपेसिटी प्रेजेंट होता है जो यूरिक एसिड को डिक्रीज कर सके। डिक्रीज यूरिक एसिड होगा तो अल्टीमेटली आपके यूरिन का जो कलर है वो रेड होगा क्योंकि आपने चेरी का जूस पी रहे हो, चेरी इंटेक कर रहे हो तो वो यूरिन का कलर को रेड कर देता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने के कुछ होम रेमेडीज और कुछ ऐसे टेक्निक्स जिससे हम यूरिक एसिड को डिक्रीज कर सके और स्वस्थ रह सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।